गाड़ी चला रहा था कनेक्टर गाड़ी जो बनी है साहब के बाद आज ऑनलाइन सिस्टम है सरदार रूट नहीं चला रहा था कनेक्टर तक नहीं आया था फोन चुका यहां पे प्रिंसिपल नहीं है कोई कुछ नहीं है यहां पे कुछ क्या सर बच्चे के हाल का बच्चा आगे बाहर से यहां पे कौन है कहां जाएगा इसको चंडीगढ़ बच्चा सर भाई है मेरा बच्चा मार गया तो सर कौन जिम्मेदार ना पुलिस उधर थी ना कोई बच्चा यहां कोई प्रिंसिपल नहीं था सर हम अब क्या चाह रहे हो जी उसकी मदद चाहिए तो मेरे भाई एक आदमी बात करना है किससे करूं बात आप करो आप डिसाइड करो सर ये हमारी सिचुएशन है सर इन्होंने शो किया ड्राइवर सरदार था अभी हमने किसी को नहीं था ठीक है अभी ऐसे मैट पे चढ़ गया हुआ है ऐसा मेरे भाई बता दिया कि मेरे भाई ऐसा है अभी हमको जो ये पता लगा जो मैं अभी स्कूल से होके आ रहा हूँ अभी कार नंबर 12 क्या हुआ क्या एक्सीडेंट हुआ जी गाड़ी चला रहा था क्राइस्ट स्कूल की जो सरदार जी ट्रैवल होनी थे वहाँ पे दूसरा ट्रैवल था वो कंडक्टर जो सभी के पास रिकॉर्ड भी है तो ये गरीब बंदा है इस वक्त तक उनका कोई भी नहीं आया यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं एसपी साहब से गुजारिश करते हैं लड़के को भी उठाए और ड्राइवर को भी उठाए कंडक्टर को भी उठाए ये गरीब मस्किन बच्चा है इसके पहले कुछ भी नहीं है इस वक्त चंद्रगढ़ इसको रेफर कर रहे हैं वो कहाँ से लाएगा इस वक्त तक वो क्राई स्कूल वाला प्रिंसिपल भी नहीं आया ड्राइवर भी नहीं आया हम रोड पे बैठे हैं जब तक 10 मिनट में अंदर अंदर नहीं हुआ आएंगे इधर यहाँ से गाड़ी नहीं हिलेगी पूरा जाम लग जाएगा अभी इधर क्राई स्कूल के नज़दीक इसको किसी गाड़ी ने हिट किया तो इसके पाँव में ये फ्रैक्चर हो गया हुआ है तो हमने इसको यहाँ पे हमारे जो ऑटोमेटिक है उसने इसको स्प्रिंटर वगैरह लगा के तो इसको बाहर आगे एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उसमें शायद सर्जरी भी होगी क्योंकि उसको फ्रैक्चर है एक्चुअली तो उसके लिए हमने मेडिकल कॉलेज में इसको रेफर किया